ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। इसी तर्ज पर दुर्ग में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई जागरण यात्रा की शुरुआत ग्रीन चौक से होते हुए दुर्ग पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए शहर का भ्रमण किया और सकल हिंदू समाज को एकजुट करने की अपील की। शौर्य जागरण यात्रा पूरे देश में निकाली गई है। इस देश में धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बलिदान देने वालों की एक लंबी परंपरा रही है। उनको स्मरण किया जाए, उनके कृत्य को स्मरण किया जाए और उनसे आज का समाज प्रेरणा लें। आज देश में जिस तरह के संकट हैं, वैसे संकट में हमारे पूर्वजों ने जो प्रयत्न किए थे उनका स्मरण करके उनको याद किया जाए, इसलिए संपूर्ण देश में यह बजरंग दल के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकली। आज ये शौर्य यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। हमारे पूर्वजों ने लाखों लाख की संख्या में जो बलिदान दिया है और उस बलिदान के कारण ही आज हम आज इस भारत भूमि में इतने स्वतंत्र रूप से घूम पा रहे हैं। हमारी मानना है कि बजरंग बली ही हमारे शौर्य के प्रतीक हैं और हमारे सारे युगों में बजरंग की जागृति करने के लिए, उनके शौर्य के जागरण के लिए पूरे देश में ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि हिंदू अपने आप को हिंदू होने पे गर्व कर सके और वो अपने परंपराओं, रीति रिवाज और अपने धार्मिक आस्थाओं पर और पहले से ज़्यादा अडिग हो सके, इसलिए शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। न्यू वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।